सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। छह सप्ताह देश के अलग अलग कोने में इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है और फुल प्रूफ बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है और फिर ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। टायर 2 टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, कोई गरीब गरीबी में जीना नहीं चाहता, कोई गरीब गरीबी में मरना नहीं चाहता, कोई गरीब अपने बच्चों को विरासत में गरीबी दे करके जाना नहीं चाहता, वो छटपटा रहा होता है जिंदगी भर गरीबी से बाहर निकालने के लिए और इस संकट से बाहर आने के लिए। गरीब को सशक्त बनाना यही उपचार है, यही उपाय है। हमने पिछले 4 साल में गरीब को सशक्त बनाने की दिशा में बल दिया है, हमारा प्रयास रहा है गरीब सशक्त हो और अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि पिछले दो वर्ष में भारत में 5 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। भाइयों बहनों, जब गरीब के सशक्तिकरण का काम करते हैं और जब मैं आयुष्मान भारत की बात करता था, 10 करोड़ परिवार यानी क्या, 50 करोड़ जनसंख्या यानी क्या, बहुत कम लोगों को अंदाज होगा कितनी बड़ी योजना है। अगर मैं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इसकी जनसंख्या मिला लूं तो करीब करीब इतने लाभार्थी ये आयुष्मान भारत योजना में है। अगर मैं पूरे यूरोप की जनसंख्या गिन लूं तो करीब करीब उतनी ही जनसंख्या भारत में इस आयुष्मान भारत के लाभार्थी बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, गरीब को सशक्त बनाने के लिए हमने अनेक योजनाएं बनी हैं, लेकिन योजनाएं तो कभी बनती है लेकिन बिचौलिए, कटकी कंपनी उसमें से मलाई खा लेती है, गरीब को गरीब के हक का मिलता नहीं है, खजाने से पैसा जाता है, कागज पे योजनाएं दिखती है, देश लूटता चला जाता है और सरकारें आंखें मूंद करके बैठ नहीं सकती और मैं तो कतई नहीं बैठ सकता।